जिला बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने युद्ध शहीद स्मारक से उपायुक्त कार्यालय परिसर तक रोष रैली निकालकर मनोहर हत्याकांड की निंदा करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा मिलने की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मनोहर हत्याकांड मामले की जाँच फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग उठाई है। चंबा में जो निर्मम हत्याकांड हो रखा है, हिंदू समाज के एक युवक का 8 टुकड़ों के अंदर भाग किया गया है, उसको लेकर 2 मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजा गया है, जिसमें 2 मांगों के अंदर एक मांग कि इसकी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से डे टू डे हियरिंग के अनुसार हो, ताकि जल्द से जल्द और शीघ्र अतिशीघ्र जिन्होंने दुष्कृत्य किया है वो दुष्कृत्य के लिए उन्हें फांसी का प्रावधान हो सके। दूसरा, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि 2000 नोट जब बंद हो रहे हैं तो उक्त परिवार के द्वारा 97 लाख के नोटों को तब्दील करवाया गया। कोरोना के कालखंड के दौरान भी लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की राशि को आपने तब्दील करवाने में जो मदद की है, और कहीं ना कहीं वहाँ चंबा का प्रशासन उस सारे वारदात को लेकर बिल्कुल ढिलमुल रवैया अपना रखा है। फॉरेस्ट की लैंड के अनुसार 100 बीघे से अधिक का कब्जा उस व्यक्ति का वहाँ पर है। ये सारे ही संदेहास्पद प्रश्न है इसको लेकर, ताकि उनका किसी प्रकार की जो जांच एजेंसी एक NIA राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से इस सारे विषय की जांच हो, ये विश्व हिंदू परिषद राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजकर ये यहाँ पर हम ये पूरे प्रदेश से जन आक्रोश के नाते हिंदू समाज का जो प्रदर्शन है वो आज इस माध्यम से प्रेषित किया गया।